एपिसोड की शुरुआत 10 साल पहले के सीन से होती है, जब जोयून और जोमिन के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। उनके फ्यूनरल में वो लेडी भी आई थी जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो माफी मांगती हुई कहती है कि वो कई दिनों से ओवरटाइम कर रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी चलाते हुए उसे नींद आ गई थी। पर जोयून भी एक्सीडेंट के टाइम उनके साथ ही थी। उसे पता था कि ये झूठ बोल रही है। उसे पता था कि ये ड्रंक होकर गाड़ी चला रही थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के तुरंत बाद उनकी डेथ भी नहीं हुई थी। वो लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, पर ये सिर्फ इसलिए नहीं रुकी थी ताकि किसी को उसके ड्रंक होने की बात पता न चले। जोयून यही बात उससे कहती है तो वो बहुत रूडली आंसर करती है कि मैंने कहा ना कि मुझे बस नींद आ गई थी। साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी गलती का कोई अफसोस नहीं था। जोयून से रहा नहीं जाता, वो उसे रोक कर चिल्लाने लग जाती है कि मुझे पता है तुम ड्रंक थी, तुमने मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया है। चिल्लाते हुए जोयून जोर जोर से रोने लग गई थी। एक्सीडेंट के बाद जोयून ने उसे पनिशमेंट दिलवाने की बहुत कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियरली दिख रहा था कि वो लेडी एक्सीडेंट सीन में अपनी कार छोड़कर भाग गई थी और फिर दो दिन बाद वापस आई थी। 20 घंटे के बाद अल्कोहल डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उसका टेस्ट नहीं हुआ था। जोयून ने उस केस के डिटेक्टिव को बताया था कि एक्सीडेंट के बाद उस लेडी ने उनकी कार से डैशकैम का मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। जोयून उस समय पूरे होश में नहीं थी, पर उसने अल्कोहल स्मेल भी किया था। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। जोमिन दूर से उसी लेडी को देखती है जो अब नॉर्मली अपनी लाइफ जी रही थी, क्योंकि एविडेंस की कमी की वजह से वो बच गई थी। जोयून भी तब वहाँ आ जाती है और उसे समझाती है कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो लोग उसको पूरी तरह से अपनी लाइफ से भूल जाए। सीन शिफ्ट होता है और हम मूचान को देखते हैं, जो उस जगह तक पहुंच गया था जहां सियोकजो छुपा हुआ था। पुलिस कमिश्नर फोन पे मूचान को ऑर्डर देता है कि वो सियोकजो को गोली मार दे, पर मूचान इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि वो सियोकजो को जिंदा पकड़ेगा। इधर जीहून अपने वीडियो में सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो लोग किलिंग वोट में इस बार वोट ना करे, ताकि सियोकजो की जान बच सके। जीहून के वीडियो से बहुत सारे लोगों के मन में सियोकजो के लिए सिंपैथी आती है और वो लोग ये कमेंट करने लगते हैं कि वो लोग इस बार वोट नहीं करेंगे। आखिर मेजोरिटी लोगों के ऐसा करने पे किलिंग वोट खुद ही कैंसिल हो जाता है। सियोकजो को भी इस बारे में पता चलता है, पर फिर भी वो डॉगमास नंबर 3 पार्क से कहता है कि वो प्लान चेंज नहीं करेगा। तब पार्क उससे किलिंग वोट वाला प्रोग्राम मांगता है और कहता है कि उसके नहीं रहने पे वो इसे कंटिन्यू रखेगा। फिर हम जीहून और जोमिन को देखते हैं, जो किलिंग वोट कैंसिल होने पे बहुत खुश थे। जीहून अब सियोकजो को ढूंढने जाने वाला था ताकि वो उसे सुसाइड करने से रोक सके, पर तभी उसे येजिन का कॉल आता है जो बताती है कि पुलिस ने सियोकजो को ढूंढ लिया है, वो लोग उसे बचा लेंगे। ये जानने के बाद जीहून जोमिन से कहता है कि वो अब सरेंडर कर देगा। जोमिन तो जीहून को हग कर लेती है। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं जो जीहून के स्कूल के ही बुलीज थे और उसके बाउंटी की वजह से उसे ढूंढते हुए आए थे। फिर हम असेंबली वुमेन मिन को देखते हैं, जो किलिंग वोट कैंसिल हो जाने की वजह से बहुत गुस्से में थी। वो अपनी सेक्रेटरी को इशारा करती है, जिसके बाद वो सेक्रेटरी चाकू लेकर दोही की तरफ बढ़ती है, पर पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। दूसरी तरफ हम मूचान को देखते हैं, जो अंदर जाने से पहले सियोकजो से फोन पे बात करता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो सुसाइड ना करे। सियोकजो कहता है कि उसने जो किया उसके लिए उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी। फिर वो कहता है कि उसने एक एविडेंस छोड़ा है, जिससे ये पता चलेगा कि उसने जीहून को डराया था और फोर्सफुली हेल्प लिया था। सियोकजो एक कांग नाम के लॉयर का नाम बताकर कहता है कि वो उसका कॉलेज फ्रेंड है जो जीहून की हेल्प करेगा। मूचान सियोकजो को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और मूचान के पहुंचने से पहले ही वो फांसी पे लटक चुका था। मूचान पहुंचता है तो सियोकजो को लटका देखकर दौड़ के जाकर उसके पैर पकड़ लेता है। उस समय हम पार्क को भी देखते हैं, जो वहाँ रखी एक कार लेकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम असेंबली वुमेन मिन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ खुद पुलिस डायरेक्टर बहुत सारे डिटेक्टिव्स के साथ दोही को ढूंढते हुए आए थे। एक्चुअली पार्किंग लॉट के सीसीटीवी से उन लोगों को पता चल गया था कि असेंबली वुमेन के लोगों ने दोही का किडनैप किया है, पर वहाँ पहुँचने पे वो लोग देखते हैं कि असेंबली वुमेन और दोही साथ में चाय पी रहे थे। पुलिस डायरेक्टर दोही से पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना, और बताते हैं कि वो लोग मूचान के टिप पे उसे ढूंढते हुए आए हैं। एक्चुअली मूचान दोही से बात करने के टाइम पे उसके सिग्नल को समझ गया था, पर दोही अब कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और बोलती है कि वो तो असेंबली वुमेन के अचानक भेजे इनविटेशन की वजह से आई है। उसके ऐसा कहने पे डिटेक्टिव्स भी कुछ नहीं कर पाते।
निकलती हुई दोही असेंबली वुमेन से उनके बीच हुई कन्वर्सेशन को मेंशन करती है और कहती है कि वो इस बात को नहीं भूलेगी। दूसरी तरफ हम जीहून को देखते हैं, जिसे वो लड़के एक वेयरहाउस जैसी जगह पे ले जाकर बहुत बुरी तरह से मार रहे थे और उसकी वीडियो भी बना रहे थे ताकि उसके नाम की बाउंटी कलेक्ट कर सके। जोयून और जोदान भी जीहून की लोकेशन ट्रैक करते हुए अब वहाँ तक पहुँच गए थे। जोयून को देखकर जीहून उसकी तरफ बढ़ता है तो एक लड़का एक मेटल रॉड से जोर से जीहून के सिर पे मारता है। वो तो फिर से मारने वाला था पर जोयून हवा में फायर करती है, जिसकी आवाज से सारे लड़के वहाँ से भाग निकलते हैं। जोयून दौड़ के जीहून के पास जाती है, जिसके सर से बहुत खून बह रहा था। वो जोयून को बताता है कि वो सरेंडर करने वाला था। उसी समय हम सिकजो को भी देखते हैं, जिसे मूचान फांसी से उतारकर CPR दिए जा रहा था और आखिर उसे रिवाइव कर ही लेता है। इधर जीहून जोयून को एक पेनड्राइव देता है जिसमें किलिंग वोट वाला सिंबल बना था। फिर वो सिकजो के बारे में पूछता है कि वो ठीक तो है ना। जोयून हाँ कहती है तो जीहून स्माइल करता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। जोमिन को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है। फिर हम मूचान को देखते हैं, वो शिवजो को अरेस्ट करके बाहर निकला ही था कि उसे डिटेक्टिव सांगजे से जीहून के बारे में पता चलता है। तब तक जोयून भी वहाँ आ जाती है। वो शिवजो को मारने लग जाती है ये बोलते हुए कि तुम्हारी वजह से ही जीहून की जान गई। उसे पता था कि वो खतरे में आ सकता है पर फिर भी तुम्हें बचाने के लिए उसने अपना चेहरा सबको दिखाया। शिवजो तो शॉक में था, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि जोयून क्या बोल रही है। तो मूचान बताता है कि जीहून के नाम पे बाउंटी था जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये जानकर तो शिवजो की एकदम बुरी हालत हो जाती है, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब मूचान शिवजो को लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक जगह शिवजो रुकने को बोलता है। कहता है कि यही उसने नारा की रिमेन्स बहाई थी तो वो आखिरी बार गुड बाय बोलना चाहता है। मूचान मान जाता है और उसे वहाँ तक लेकर जाता है। जोयून उस समय जोदान को कॉल करके अपनी बहन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसने कई घंटों से ना कुछ बोला है ना कुछ किया है। फिर वो ये भी बताता है कि जिन लड़कों ने जीहून की जान ली वो पकड़े जा चुके हैं, उन लोगों ने रिवार्ड के लिए ही बस ऐसा किया था। इधर सिकजो मूचान से कहता है कि अगर उसने नारा के डेथ को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज जीहून जिंदा होता। इस पे मूचान कहता है कि गलती उसकी है, अगर उसने एविडेंस फैब्रिकेट नहीं किया होता तो मिनसू उस समय बच नहीं पाता, सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। जोयून दूर से उनको बात करता देख रही थी, अचानक से पार्क बहुत स्पीड में कार चलाता हुआ वहाँ आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क जोयून को गन पॉइंट पे मूचान और सिकजो के सामने लेकर आता है। फिर मूचान से कहता है कि वो जोयून को तभी जाने देगा जब वो सिकजो को उसके पास भेजेगा। पार्क ऐसा शो करता है जैसे ये बस एक हॉस्टेज एक्सचेंज हो, बट सिकजो को पता था कि वो उसको बचाने नहीं आया है। पार्क एक्सेप्ट भी कर लेता है और कहने लगता है कि आपने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा, लास्ट में आपको अपना सैक्रिफाइस देना था। सिकजो को पता था कि पार्क को किलिंग फोर्ट वाला प्रोग्राम चाहिए। वो पेनड्राइव निकाल कर दिखाता है और कहता है कि तुम ही मेरे सक्सेसर हो, मैं ये तुम्हें ही देना चाहता था। सिकजो की बात पे पार्क अपना गन थोड़ा नीचे करता है, मौके का फायदा उठाकर जोयून उसे धक्का देकर हाथ से गन गिरा देती है। मूचान गन उठाकर पार्क को शूट करता है पर तब तक पार्क सिकजो की तरफ दौड़ गया था और उसे लिए हुए पानी में गिर जाता है। मूचान देखता है कि वो दोनों ऊपर नहीं आ रहे तो वो भी पानी में जंप करता है पर उन्हें वो ढूंढ नहीं पाता। सर्च टीम्स भी आकर उन्हें ढूंढते हैं पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस डायरेक्टर बताता है कि किलिंग वोट के मेन सस्पेक्ट्स की डेथ के बाद केस क्लोज हो गया है। वो जीहून के बारे में बताता है कि किलिंग वोट प्रोग्राम के डेवलपर को एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने मार डाला है और उन क्रिमिनल्स को किलिंग वोट के मास्टर माइंड सिकजो ने हायर किया था। उस समय हम जोयून को देखते हैं, जिसे डायरेक्टर की बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये सच नहीं था। दोही भी वहाँ थी तो जोयून उससे पूछती है कि उसने अपने किडनैपिंग के बारे में झूठ क्यों बोला, असेंबली वुमेन के साथ उसने डील क्या बनाई है, पर इस पे दोही कुछ आंसर नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम मूचान को देखते हैं, जो अब भी नारा से रिलेटेड फाइल्स और वीडियोस देख रहा था। जिस जगह पे मिनसू ने नारा को मारा था वहाँ की फोटो देखकर मूचान को कुछ ध्यान आता है और वो तुरंत उसी जगह पे जाता है।
जो असेंबली वुमेन के घर का बेसमेंट था। एक्चुअली मूचान ने ये नोटिस कर लिया था कि जिस पिलर के पास नारा को मारा गया था अब वहाँ पे वैसा पिलर नहीं था, उसके ऊपर एक नया पिलर बनाया गया था। वो अब उस पिलर पे जोर जोर से हथौड़ा मारकर तोड़ने लग जाता है। असेंबली वुमेन भी अब वहाँ आ गई थी पर वो उसे रोक नहीं पाती। उसे पता था कि अब कोई भी लॉयर उसकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि उसके हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल कर दिया था। बस वो खड़ी होकर सब देख रही थी। उस समय फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि नारा को मारकर मिन्सू उसकी बॉडी जब ले जा रहा था तब मिन ने उसे ऐसा करते देखा था। वो फिर बेसमेंट भी गई थी तो वहाँ उसी पिलर पे और उसके आसपास नारा का बहुत सा ब्लड दिखा था। इधर पिलर भी अब टूट चुका था और उसपे स्प्रे करने से ब्लड होने का इंडिकेशन भी मिल जाता है। मूचान असेंबली वुमेन के पास जाकर बताता है कि डिटेक्टिव जोई को भी अब होश आ चुका है और वो उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने वाला है कि उसने कैसे एविडेंस डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट सीन में हम जोहयून को देखते हैं जो एक ब्रिज के पास खड़ी थी। उसके हाथ में जीहून का दिया पेन ड्राइव था। कुछ सोचकर वो उस पेन ड्राइव को पानी में फेंक देती है। तभी मूचान भी वहाँ आता है। वो कहता है कि उस पेन ड्राइव पे किलिंग फ्लोर प्रोग्राम का पासकोड था, उसे फेंक कर तुमने ठीक तो किया ना, जीहून की छोड़ी हुई बस एक वही चीज हमारे पास थी। तो जोयून कहती है कि उसकी वजह से ही तो उसकी जान गई थी, वो भी यही चाहता। जोयून फिर मूचान से कहती है कि अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती, हेडक्वार्टर्स वापस जाना चाहती है। फिर हम एक साल बाद का सीन देखते हैं। जोदान और डिटेक्टिव यून अब डेट कर रहे थे और दोनों चोई से मिलने आए थे जो अब एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वहाँ जोयून भी आकर उनको ज्वाइन करती है। फिर हम जोमिन को देखते हैं जो उसी जगह पे आकर बैठती है जहाँ वो जीहून से मिला करती थी। आज उसका बर्थडे था तो वो यहाँ आकर जीहून को याद कर रही थी। अचानक उसके फोन पे जीहून के नंबर से मैसेज आता है। एक्चुअली जीहून ने बहुत पहले ही मैसेज लिखकर शेड्यूल कर दिया था ताकि जोमिन को उसके बर्थडे वाले दिन मैसेज मिल सके। उसने बहुत इमोशनल मैसेज भेजा था जिसमें ये भी लिखा था कि उसके 19 सालों में वो सबसे ज्यादा खुश तभी था जब वो उसके साथ था। मैसेज पढ़कर जोमिन रोने लग जाती है। अचानक बारिश भी होने लगती है तो जोमिन याद करती है कि ऐसे ही बारिश में वो जीहून के पास छाता लेकर गई थी। वो जमीन पे जीहून का नाम लिखकर वहाँ अपना छाता छोड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मूचान को देखते हैं जो चोई से आकर मिलता है। चोई उसे असेंबली वुमेन मिन के बारे में भूल जाने को बोलता है। उनके बाद से हमें पता चलता है कि चोई के टेस्टिफाई करने के बाद भी असेंबली वुमेन बच गई थी। सारा ब्लेम उसकी सेक्रेटरी ने अपने ऊपर ले लिया था और जेल में अब उसके भी डेथ हो गई थी। फिर हम मिन को देखते हैं जो वॉलंटियरिंग वर्क कर रही थी। वहाँ एक आदमी भी था और बार बार मिन की नज़र उसकी तरफ ही जा रही थी। बाद में वो आदमी मिन से कहता है कि मैं जहाँ भी वॉलंटियर करने जाता हूँ तुम भी रहती हो। फिर वो मिन को याद दिलाता है कि वो लोग 9 साल पहले भी मिले थे। मिन को ध्यान नहीं आता तो वो बताता है कि 9 साल पहले वो सेकजो का लॉयर था। फिर हम मिन को बस स्टॉप के पास देखते हैं। उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। अंदर बैठने पे एक आदमी मिन को एक पेन ड्राइव देता है, फिर उसकी सेक्रेटरी की फोटो दिखाता है जो जेल में मर चुकी थी। ये देखकर मिन स्माइल करती है और कहती है कि अब उसे एक नई सेक्रेटरी हायर करना होगा। मिन फिर उस पेन ड्राइव का कंटेंट चेक करती है, उसमें वही किलिंग बोट वाला प्रोग्राम था। पता चलता है कि ये आदमी एक हैकर था जिससे मिन ने किलिंग बोट वाला प्रोग्राम बनवाया था। वो उससे कहती है कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम इस कंट्री को रूल कर सकते हैं। फिर वो पूछती है कि हमारा पहला टारगेट कौन रहेगा, तो वो आदमी उसी आदमी की डिटेल्स दिखाता है जिससे मिन कुछ देर पहले मिली थी। इसका नाम कांग था और ये एक असेंबली मैन था। ये देखकर मिन जोर से हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूचान के नाम पे एक एनवेलप आता है। अंदर एक पेन ड्राइव था जिसमें किलिंग वोट का सिंबल बना था। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो अंदर से जोयून बाहर निकल रही थी। दोनों थोड़ी बातें करते हैं। फिर जोयून पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, सेकजो अब भी जिंदा है? तो मूचान कहता है कि नहीं, और ये भी कहता है कि ये अच्छी बात है क्योंकि अब फाइनली उसे रेस्ट मिल सकती है। फिर हम देखते हैं कि मूचान डॉगमास नंबर 5 डोंग्यू को फॉलो कर रहा था जो किसी तरह जेल जाने से बच गया था और अब क्राइम कंसल्टिंग कर रहा था। मूचान उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है। दूसरी तरफ जोयून को एक मेल आता है जिसमें एक न्यूज क्लिप था। उसमें लिखा था कि एक अनआइडेंटिफाइड आदमी को एक फिशिंग ट्रिप में रेस्क्यू किया गया है। ये देखकर वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो इवेंट जापान में होने वाला है वो उसके लिए जाना चाहती है। उस समय वो उसी मेल को देख रही थी जो किसी वॉचडॉग यानी डॉगमास के नाम पे आया था। मेल में पहला लाइन ये लिखा था कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो वो मिल गया है,
इधर मुजान बुरी तरह डोंग्यू को मार कर लौट रहा था तो उसे बहुत से डॉग मास्क रखे दिखते हैं। उसे सेकजू की कही एक बात याद आती है जिसने कहा था कि मुझे पता नहीं कि वो कौन होगा पर आगे डेफिनेटली एक दूसरा डॉग मास्क आएगा उन डेविल्स के लिए जिन्हें इनोसेंट समझा गया हो। ये याद आने पे मुजान डॉग मास्क लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे लोगों के फोन पे फिर से किलिंग वोट शुरू करने का मैसेज आता है। लास्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है सेकजो और पार्क जब पानी में गिरे थे तो साथ में किलिंग वोट वाला पेनड्राइव भी पानी में गिरा था। तब उस समय किसी ने हाथ बढ़ाकर पेनड्राइव ले लिया था और इसी सस्पेंस के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।